Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning mathematics by Brain Root series. And here is a book. The name of a book is Mathematics Whirlwind. And this is book primer. So today we are going to start with chapter number 14. And the name of the chapter is Time Machine. So have you ever heard of Time Machine? क्या आपने कभी भी Time Machine के बारे में सुना है? Time Machine एक ऐसी machine है जो हमें time में पीछे या फिर आगे लेके जा सकती है. So let's see क्या है इस chapter में, क्या हम पढ़ने वाले. Oh, we are going to learn about time here. Time क्या है, उसे कैसे पढ़ते हैं, this we will learn here. So clock tells us time. Clock क्या है, हमें टाइम बताता है. यहाँ पे आपके सामने एक बड़ा क्लॉक है एंड इस क्लॉक में आप देख सकते हैं टू हैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको. एक है बिग हैंड एंड जो दूसरा है वो है स्मॉल हैंड. बिग हैंड इज ऑफ रेड कलर एंड स्मॉल हैंड इज ऑफ ब्लू कलर. सो लेट्स सी ये दोनों हैंड्स हमसे क्या बताना चाहते हैं. So I am the smaller hand, short and stout. तो मैं कौन हूँ, इस blue hand ने हमसे बोला कि मैं smaller hand हूँ, मैं short हूँ, stout हूँ. I tell the hour, मैं क्या बताता हूँ, कितने घंटे हो गए हैं, कितने hours हो चुके हैं. And give a shout, और जैसे एक घंटा पूरा हो जाता है, one hour पूरा हो जाता है, मैं क्या करता हूँ, चिल्लाने लगता हूं, मैं शाउट करता हूं. आई एम द लॉन्गर हैंड बिग एंड टॉल. तो अब जो है ये जो रेड लॉन्गर हैंड है इसने हमसे क्या कहा कि मैं कौन हूं, लॉन्गर हैंड एंड बिग भी हूं और टॉल भी हूं. आई टेल द मिनट एंड दैट्स ऑल. तो मैं क्या बताता हूँ आपको, मिनट बताता हूँ कि कितने मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, कितने मिनट्स हो चुके हैं. द आर हैंड इज एट 10. आप देख सकते हो कि आर एंड कहाँ पे है, 10 पे है. द मिनट हैंड इज एट 12 और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है. It is 10 o'clock or 10. तो घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 10 o'clock. जब घड़ी में आपको ये टाइम दिखे तो आप क्या कहोगे, टाइम हो रहा है 10 o'clock या फिर 10. ऐसे भी हम टाइम को लिख सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रन. सो पहले हमने क्या सीखा, 10 o'clock को कैसे लिखते हैं. There are 60 minutes in 1 hour. जब हम एक घंटे की बात करते हैं तो उस एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. There are 60 seconds in 1 minute. और जब हम 1 minute की बात करें तो उसमें भी 60 seconds होते हैं. The hour hand completes 2 rounds in a day. जो आर हैंड है वो क्या करता है, पूरे दिन में 2 राउंड कंप्लीट करता है. द मिनट हैंड कंप्लीट्स 24 राउंड्स इन अ डे. और जो मिनट हैंड है वो 24 राउंड्स को कंप्लीट करता है एक दिन में. देर आर 24 आवर्स इन अ डे. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं. वेन द मिनट हैंड is at 12, the time is exactly the number at which our hand is located. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ये मिनट वाला हैंड है अगर ये 12 पे है तो इसका ये मतलब है कि जो स्मॉल हैंड जिस भी नंबर पे है उतना टाइम हो रहा है. सपोज ये स्मॉल हैंड है 8 पे तो 8 o'clock हो रहा है. सपोज ये स्मॉल हैंड है 3 पे तो 3 o'clock हो रहा है. तो जिस पे भी स्मॉल हैंड रहेगा उतना ही टाइम हो रहा होगा.
Next is when the minute hand is at a number. जब minute hand किसी number पे है other than 12 के अलावा. 2 no minutes multiply the number by 5. तो अगर आपको पहचानना है, मान लो कि clock में जो bigger hand है वो 12 पे नहीं है, वो bigger hand पहुंच गया है 3 पे. bigger hand आ गया है 3 पे और smaller hand आ गया है 4 पे. ओके, तो ये bigger hand किस पे है? 3 पे. तो जिस पे भी ये bigger hand है, हमें क्या करना है? उस number को 5 से multiply करना है. क्या करना है? उस number को 5 से multiply. तो जब हमने 3 को 5 से multiply किया, we get 15 as the answer. इसका मतलब क्या time आ रहा है? क्या 4, क्योंकि ये 4 पे है smaller hand, तो time है 4:15. Is it clear? Time क्या हो जाएगा? 4:15. तो ऐसे ही हमें time को पढ़ना है. Bigger hand पे ध्यान देना है, smaller hand पे ध्यान देना है, and then we have to read the time. So चलिए, let's see what we are going to learn here. We have to draw a clock around the numerals. We have to draw a circle around the numerals that tell the time shown on the clock. हमें क्या करना है? एक circle बनाना है उस number के ऊपर जितना time clock में हो रहा है. तो यहाँ देखिए, small hand कहाँ है? 8 पे. और big hand कहाँ है? 12 पे. इसका मतलब जिस पे भी small hand है उतना ही time हो रहा है. तो किस पे है small hand? 8 पे. तो कितने बज रहे हैं? 8 o'clock. Similarly, big hand है 12 पे and small hand है 5 पे. तो कितने बज गए? 5 o'clock. Next, big hand 12 पे है and small hand 2 पे है. तो कितने बज गए? 2 o'clock. Clear children? So ऐसे ही आपको जो है टाइम को मार्क करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द टाइम शोन ऑन द क्लॉक. तो क्लॉक पे जितना भी टाइम हो रहा है वो हमें लिखना है. तो अब आप देखो, बिगर हैंड कहाँ है? 12 पे. और स्मॉलर हैंड कहाँ है? 10 पे. तो क्या टाइम हो रहा है? 10 ओ क्लॉक. क्लियर? नेक्स्ट है, बिग हैंड कहाँ है? 12 पे. स्मॉल हैंड कहाँ है? वो भी 12 पे है. इसका मतलब 12 बज रहे हैं. क्लियर चिल्ड्रन? बिग हैंड 12 पे है एंड स्मॉल हैंड है 3 पे. इसका मतलब कितने बज रहे हैं? 3 ओ क्लॉक. क्लियर चिल्ड्रन? सो ऐसे ही हमें टाइम को लिखना है. नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन हियर. Draw hands on the clock to show the time. तो हमें क्या करना है? Hands बनाने हैं clock पे time show करने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, when you have breakfast. तो सुबह जब आप उठते हैं school जाने से पहले, आप breakfast कितने बजे करते हो? So let's mark the time. Bigger जो है 12 पे, smaller है 7 पे. तो 7 o'clock हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट, व्हेन डू यू हैव लंच. लंच कब खाते हैं? 2 o'clock. सो जब हम घर आ जाते हैं तो हम लंच करते हैं मम्मी पापा के साथ. सो इट्स लंच टाइम. एंड व्हेन यू हैव डिनर. सो हम जो है डिनर खाते हैं 8 बजे एंड फिर 9 o'clock तक हम सो जाते हैं. सो These are the times you can write according to you. आपके according आप किस time पे काम करते हैं, you can draw the clock accordingly. So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.